नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कालू। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पीपल टीवी का और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, व्हाट इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी थिंक। देखिए इंडियंस का तो हम सबको पता है, हमारे लिए तो नेशन फर्स्ट, क्लियर है ना? अब चलिए देखते हैं भाई वहां पे क्या है। ये बताएं, अगर साहिर भाई हम बात करें पॉलिसीज की, बात करें इंडिया पाकिस्तान में, आपको पता है 76 साल से ये जंग चल रही है। हमने हमेशा ये कहा जी मुसलमानों पर जुल्म हो गया, वो हमारे दुश्मन है, एनिमी की बात ही हमेशा हमने की, तो आप इस पे क्या समझे? अच्छा, सबसे पहले तो सॉरी टू से आपने एक बात की कि जंग चल रही है। जंग कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं इनकी आपस में नहीं बनती बनती वट एवर आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं तो वो फ्रीडम है। हाँ कुछ हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं जो थोड़ा पीस को नहीं लाइक करते, तो वो उधर वो कोई उनका शिवसेना कोई इस तरह से है तंजीम, कुछ इधर भी हैं एक दो तंजीमें जो नहीं लाइक करती इंडिया को, लेकिन एवरीथिंग पीपल इट्स नॉट सेम स्पेशली फॉर पाकिस्तान। आपका कभी विजिट हुआ है बाहर या कभी इंडियन से या कभी मुलाकात नहीं? आप इम्पोर्ट शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, वो आतंकवादी संगठन नहीं है आपके यहाँ? जमातुल दावा और ये जितने हैं, ये जकीउर रहमान लखवी, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, ये लोग भारत को तबाह करने की, भारत में आतंकी भेजने की बातें करते हैं। शिवसेना ने कभी आपको कहा कि हम अपने आतंकी भेजेंगे भारत में, सॉरी पाकिस्तान में? आप शिवसेना को कंपेयर नहीं कर सकते। शिवसेना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, टेररिस्ट पार्टी नहीं। और आपके यहाँ टेररिस्ट पार्टीज हैं, टेररिस्ट। आपका केयर टेकर पीएम कहता है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपका केयर टेकर पीएम कहता है कि हम भारत से 300 बार जंग लड़ेंगे। हमारे किस पीएम ने, एक पीएम का बयान सुना दिया जिसने कहा कि हम पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे? एक बयान सुना दीजिए। ऐसी हवा भाई बातें, ये होने नहीं दूंगा ना मैं, बैठा हूं ना यहां। नहीं नहीं, इंडियन बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा। हाँ, मेरे काफ़ी टाइम उनसे, काफ़ी दफ़ा बल्कि मेरी मुलाकात हुई है, चाइना में भी हुई है। अच्छा। थाईलैंड में भी हुई है, तुर्की में भी हुई है, यूएई में भी हुई है, और अच्छे लोग हैं वो। अच्छा। मतलब कि वो ये नहीं जिस तरह से हमारे इधर सोचा जाता है ना कि एक चीज़ के पीछे ही भाग जाना कि वो दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है, तो वो ऐसे नहीं है। क्योंकि अगर दुश्मनी की बात करें, जैसे वो तरक्की करते जा रहे तो हमें उनका मुकाबला करना, जैसे उन्होंने इकोनॉमी बेहतर। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम में एक बहुत बुरी एक हैबिट है, ये मैं फ्रीडमली बोलता हूँ, वो ये है कि हम अपने जो होता है ना मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हम इंसान को नहीं देखते, हम रिलीजन के बेस पे उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको अच्छा बुरा जानते हैं वट एवर। अब देखें अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, आप आज भी आप किसी भी गवर्नमेंट बंदे से पूछो वो कहेगा नहीं नहीं अफगानी तो हमारे भाई हैं। अरे तो भाई किस तरह के भाई हैं वो, आपके इधर आके बच्चों को मार रहे हैं, आपका डॉलर स्मगल करके लेके जा रहे हैं, आपकी इकॉनमी को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंटरनल वॉर उन्होंने छेड़ी हुई है, तो आप फिर भी एक तरफ से, तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। जब एक तरफा बात कर दी ना आपने, अफगानी पागल हैं क्या? अफगानियों के पास दिमाग नहीं है? अफगानी अपना भला बुरा नहीं समझते हैं? आपने एक तरफा बात कर दी कि जी वो उन्होंने जंग छेड़ रखी है, हमारे बच्चों को मारते हैं, डॉलर लेकर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप लोगों ने पिछले 30 साल क्या किया है उनके साथ, ये नहीं बताया आपने, इसलिए मैं बैठा हूं। मैं बताता हूं, आपने उनके बच्चों को मारने के लिए अपने एयर बेसिस दिए, आपने उनके शहरों पर बम गिराने के लिए अपने मिलिट्री बेसिस दिए, आपने उनके लोगों के घरों को तबाह करने के लिए अपना एयर स्पेस दिया, आपने अमेरिका से पैसे लिए, डॉलर लिए आपने अमेरिका से, और उन बेचारे अफगानों के घरों को बर्बाद होने दिया, उनके बच्चों को मरने दिया, उनकी मौत से आपने पैसे कमाए। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा बात चलेगी और सिर्फ अफगानियों को आप दोषी ठहरा देंगे। मैं इंडियन हूं तो क्या हुआ, मैं सच्चाई जानता हूं कि अफगानी बिल्कुल दोषी नहीं है। आप बड़े फ्रैंक बात करते हैं ना, तो बात फिर दोनों तरफ की होनी चाहिए थी, सिर्फ एक तरफ के नहीं होनी चाहिए थी कि आपने अफगानियों को घर में खड़ा कर दिया, लेकिन आपने जो पिछले 30 साल किया अफगानियों के लिए वो आप नहीं बता रहे। आपने अफगान रिफ्यूजी भी अपने यहां इसलिए रखे, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पढ़ लीजिएगा, आप तो इधर उधर जाते रहते हैं, पता कर लीजिएगा। आपने यूनाइटेड नेशन से लाखों डॉलर लिए अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर, बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया। आपने अमेरिका से लाखों डॉलर लिए अफगान रिफ्यूजियों के नाम पर, बदले में आपने कुछ नहीं दिया।
दोनों स्क्रीनशॉट मैंने लगा दी, पढ़ लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। अफगानियों को ऐसे एक तरफा वार मत नहीं करने दूंगा मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। और अफगानी अगर आपसे नफरत करता है, वो इसलिए नफरत करता है कि आपने उनके बच्चों को मरवाया है, मुसलमान मुल्क होते हुए भी आपने उनका वतन तबाह कर दिया अपनी जगह दे दे के, मुसलमान मुल्क होते हुए भी। और आज आप मुस्लिम बिरादर की बात करते हैं, इसलिए अफगानी आपसे नफरत करते हैं। और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल आया अभी, एक इंडियन ब्लॉगर गया था वहां पर, एक बुजुर्ग अफगानी वहां पर थे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। इंसान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ में मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहाँ हम दोनों मिल सकते, हम दोनों मिल सकते हैं, उस तुम मारो इस तरफ हम मारता है, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है। कोशिश करो तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है, अफगान लोग तन्हा, तुम उस तरफ से लड़ाई करो हमसे, इस तरफ की दुनिया से महव करेगा, ठीक है? सुना आपने, इतनी नफरत है उनके अंदर मुसलमान होते हुए भी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोगों ने उनके बच्चों, उनके युवाओं, उनके वतन के साथ क्या किया है। आप लोगों ने चंद डॉलर के लालच में, तब आपको इस्लाम याद नहीं आया, तब आपको मुसलमान बिरादर नजर नहीं आया। आज जब वो उनके हाथ में ताकत आई, आपको ठोक रहे हैं, बदला ले रहे हैं, तो आपको मुस्लिम बिरादर याद आता है। आप उनको कटघरे में कह रहे हैं, आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। ये इंडियन बैठा है, होने नहीं देगा ऐसा एक तरफा काम अफगानियों के खिलाफ, याद रखिएगा। जब बिफोर 22 years या 20 years पहले जब उधर अमेरिका ने जंग किया था, जंग जब स्टार्ट हुआ था उधर, तो एक इनको क्या इतना ये माशाल्लाह बड़े ही सखी दिल हैं या क्या है कि मुझे समझ नहीं आती कि अपने घर को खाने को नहीं है तो लोगों को इनविटेशन लेटर बांटी जा रहे हैं कि प्लीज़ आए आप हमारे घर में डिनर कर लें। एक घर में खाने के लिए ना हो तो आप तो उससे वाइड करोगे यार, मैं सॉरी टू से मैं नहीं, आपने 5 लाख पता नहीं 50 लाख कितना रिफ्यूजी अफगानिस्तान से आपने 40 लाख हाँ इधर आपने मंगवा लिया, ना हमें खाने दिया ना उनको खाने दिया। वो जैसे उनको अवेयरनेस आई कि भाई ये तो हमारे दुश्मन है, वो हमारे बम पार्टनर शुरू हो गए, 100 बच्चों को उन्होंने सबूत दिया ना मैंने क्यों बुलवाया अफगान रिफ्यूजियों को डॉलर के लिए। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। और वो बेचारे अफगान, उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी की पाकिस्तान में आकर, अपनी कमाई की, उनके बच्चे पैदा हुए, आज आपने उन्हें लात मारकर भगा दिया वहां से। अपनी कमाई से उन्होंने आपके यहां को डेवलप किया, जितना भी कर पाए, जितना भी हिस्सेदारी दे पाए। आप क्या बिजनेस कर रहे थे ना, टैक्स तो आपके यहाँ भी भर रहे होंगे, वो सरकार तो ऐसे देगी नहीं कि आप बिजनेस कर लो कोई भी। उसके बाद भी आप अफगानियों का एहसान फरामोश कर रहे हैं। एहसान फरामोश और लालची आप हैं, अफगानी कभी एहसान फरामोश नहीं होता, याद रखिए। अफगान पठान कभी एहसान फरामोश नहीं होता, वो एहसान नहीं भूलते। वो तो बच्चों को उन्होंने कत्ल कर दिया इधर पेशावर में, आपको याद होगा भाई। आप में हमारी पता क्या बात है, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताता हूँ, हमारी कौम की एक बड़ी बैड हैबिट है, ये खुल के नहीं बोलते यार। ये फ्रीडम खुल के बोलो भाई, आज़ादाना बोलो, आपको हक है, आपका राइट है। तो फिर आज आज़ादाना आप बोल ही रहे हैं। आज़ादाना मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक आप कह रहे हो कि जी मुसलमान भाई भाई खोलो यार, बॉर्डर खोलो, ये करो, ट्रेड करो, वट एवर। ओ भाई, वो मुसलमान वो बाद में, वो आप पहले देखो कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है। इस तरह से किसी के रिलीजन को पॉइंट आउट करके जी मुसलमान भाई भाई हैं या अफगानिस्तान हमारा भाई, किस बेस पे भाई? वो आपके बच्चों को मार रहे हैं, वो इधर जितनी भी बैड एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं, असला स्मगल कर रहे हैं, 100 मामला आप बॉर्डर ही नहीं सील कर रहे हो। इंडिया आई लाइक पॉलिसीज, मुझे उसकी पॉलिसी बड़ी अच्छी, उसको जैसे पता चला जी हमने 370-35 को ही उनका था हटाने का, या आर्टिकल जो हाँ आर्टिकल जो हटाया, उन्होंने सबसे पहले बॉर्डर को सील किया, बॉर्डर को टोटली सील किया। ये नहीं कि एक मच्छर भी अब वहाँ से नहीं गुजर सकता। आप कभी आपका विजिट हुआ तो आप चेक कीजिएगा वहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हम ड्यूल पर्सनैलिटी लोग हैं, हम यहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई भाई, वो आके हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, हम बॉर्डर भी ओपन कर रहे हैं। और भाई दुश्मन को तो दुश्मन समझो ना,
ये मुझे वो बर्मा के जा... अगर अगर आपने कहा कि अफगानिस्तान दुश्मन को तो दुश्मन, तो फिर इंडिया कौन है? हम तो उसको भी दुश्मन कहते हैं, हम तो अपने ईरान के साथ भी हमारे मसले चल रहे सर। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया बेशक बैकफुट में जो मर्जी करता रहे, वो फ्रंट फुट में कभी भी नहीं आके करता। आपने वो चीज़ देखनी जो फ्रंट फुट पर हो रही हो। फ्रंट फुट पर इस टाइम एक बच्चे को भी, हमारे पाकिस्तानी बच्चे को भी कहोगे ना, वो भी कहेगा कि अफगानिस्तान करवा रहा है अफगानी। वो खुद हमें, वो आप कभी सोशल मीडिया उठा के देखें, वो हमें खुद कहते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं कि आई डोंट लाइक इट पाकिस्तान, हम तुम्हारा। लेकिन साहिर भाई, मैं आपकी बात अगर करूं, आपने कहा कि अफगानिस्तान सारा करवा रहा था, लेकिन हम यहाँ पे, हमारे तो ये अदारे या हमारे तो ये भी ये कह दिया जाता है कि ये इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया ने करवाया। क्या बात है, इंडिया एक और स्टेट बन चुकी है, पहले उसका जो है पास किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक, उनको एक चीज की समझ आ चुकी है। उन्होंने ये चीज बड़ी अपने, उनके मैं अक्सर इंटरव्यूज वगैरह देखता रहता हूँ, तो उनका जो मोदी है सब, उनका एक मुझे जो फिकरा बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं सबसे पहले कंट्री, योर फर्स्ट प्योरिटी कंट्री, सेकंड प्योरिटी योर जात पात रिलीजन, वो वट एवर, वो सेकंड प्योरिटी। सारे इंडियंस भी ये इंडियन, हाँ जी, वो चीज़ ना वो बड़ी अच्छी उनकी लगती है कि वो देखें, एक आप सक्सेसफुल होना है ना, आपने अपनी लाइफ में अपनी कंट्री को बूस्ट करना है, तो आपने कंट्री के बारे में सोचना है, नो कि एक एक मैन के बारे में सोचना है, एक आदमी के बारे में सोचना है कि वो हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन है, वो फलाना है, वो ढींगला है, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कंट्री को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जब उसको बूस्ट करना चाहते हैं, इकॉनमी को, हर चीज़ को, तो फिर सब कुछ लेके साथ चलना चाहिए। अब देखें, वो रिसेंटली सऊदी अरेबिया का वो बंदा आया, प्रिंस गोइंग टू इंडिया आई थिंक, तो वो यहाँ पे स्टे नहीं किया। अब ये शोर क्यों नहीं डाल रहे, वो तो मुस्लिम था, उसको तो इधर आना चाहिए था, वो तो मुस्लिम था, ऐसा नहीं कुछ होता। जो दुनिया है ना, ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत आगे तक जा चुकी है। हम पाकिस्तानी थोड़ी सी, सॉरी टू से, हमारी जो सोच है ना, अभी तक वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात में ही चल रही है कि शायद यार ये एक चोर है, फॉर एग्जांपल आपका भाई है, योर रियल ब्रदर, वो कहीं चोरी करके आता है, आपने ये तो नहीं कहना ना कि ये मेरा भाई है तो चलो मैं इसको कर लूँ। आप तो हक, अगर हक सच के बंदे हो तो आप कहो कि पुलिस को कि यार ये मेरा भाई है, आप ले जाए, इन्होंने चोरी की है। बात समझ रहे? हमारे इधर कुछ और है, वो कहते हैं मुसलमान भाई है, जो मर्जी करे, लितर भी मारे, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा नहीं होता भाई जान, इंसान अच्छा बुरा होता है, रिलीजन जो है ना वो अल्लाह ताला की जात जानती है कौन अच्छा कौन बुरा है। तो सर आज मुझे बताएं, जैसे कि इंडियंस ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी पॉलिसियां बनाई, तो क्या हमें उनकी पॉलिसियों से देख के कुछ सीखना नहीं चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं बहुत से इंडियंस से मिला हूं, तो बताएं कुछ उनके बारे। सर पता क्या बात है, वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, फ्रेंकली वो कहीं पर भी आप जाएंगे, वो अपने मुल्क के बारे, इंडिया के लोग जो है, हमारे जो है वो ये पीपल टू पीपल सोचते हैं, मतलब कि ये अब पीपल टू पीपल भी मुझे लगता है नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर वालों का सोचते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, अब देखिए इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दर्शक हैं, उनका नाम है सेतु बावड़िया, गुजरात के हैं, रहने वाले हैं, बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है वो, उसमें काम करते हैं, चले नाम लेता हूँ, गूगल में काम करते हैं, और वो अमेरिका में थे, बहुत साल उन्होंने अमेरिका में बिताए, शायद अमेरिका में ही थे, हाँ, लेकिन उन्हें अपने देश से इतना प्यार है और वहां पर इन्हें इन्हें काम करना है, वो वापस आ गए, भारत आ गए, अब भारत में रह के काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक एनजीओ के साथ लगे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गांव गांव के स्कूल्स में जाकर वहां पर हेल्प कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? उन्हें देश से बहुत प्यार है अपने, इसलिए वो वापस आए, वरना अमेरिका में बढ़िया लाइफस्टाइल थी, मोटा पैसा मिलता, बढ़िया घर है, ये है वो है, लेकिन अपने देश में आए ना, ये है फर्क। और हम भारतीयों के लिए हमारे देश से ऊपर कुछ नहीं। अब अफगानिस्तान में मुसलमान बैठे हुए हैं, और भाई तुम्हें बस यही मुस्लिम नजर आ रहे हैं, तुम्हें बर्मा के मुसलमान नजर नहीं आए, तुम्हें इंडिया के जो मुसलमान है वो नजर नहीं आए, जहां पे मफाद है वो भाई है, जहां पे मफाद नहीं है वो कसाई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा अब देखो है? चाइना, हाँ जी बिल्कुल ऐसे है, उस पे हमने कभी हमारी मीडिया ने दिखाया नहीं, हमेशा ये कहा कि इंडिया में कश्मीर पे जुल्म हो गया, और यार क्या जुल्म होना है, मैं अब आप ओपनली बात सुनना चाहते हैं, आपके हिस्से में इतना कश्मीर आया, आपने ले लिया, ऐसे ही है, ठीक है, आपने ले लिया, उसको फ्रीडम रखा, अपनी इकॉनमी चलाई, अपनी करेंसी चलाई, चलाएं ना चलाएं वट एवर, आपकी भी और उनको भी प्रॉपर तौर पर वो हक नहीं दिया जो कश्मीर नहीं, नहीं, को नहीं, वो हक मिले या ना मिले आई डोंट केयर, उसका वो हम नहीं डिस्कस कर रहे। आपके हिस्से में एक स्टेट आई, आपने वो रख ली, इंडिया के हिस्से में एक स्टेट आई, उसने रख ली, और भाई फिर आप क्यों चीखते हैं कि वो भी हमारा है,
मतलब कि कश्मीर तो किसी का नहीं था ना, ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था। जब इन्होंने जो जिस तरह से भी लिया, जहाँ तक उनकी फौज आई उनका कश्मीर हो गया, जहाँ तक हमारी फौज गई हमारा कश्मीर हो गया, तो ये रोना ही खत्म है, ये कश्मीर का तो मुद्दा ही खत्म है, कश्मीर का तो। फिर नॉलेज नहीं है आपको, जाकर पढ़िए, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, जाकर पढ़िए, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिए। आपकी फौज श्रीनगर तक आ गई, तब तक कश्मीर हमारा नहीं था, जम्मू कश्मीर। फिर वहां के जो महाराजा थे उन्होंने कहा इंडियन आर्मी से, भैया मदद करो। इंडियन आर्मी कह रहे कि हम किस बिना पर मदद करें, वो हमारी टेरिटरी नहीं है। कल इंटरनेशनल बॉडीज पूछेंगी कि भैया आप किस बिना पर गए वहां पर अपनी फौज लेकर, तो हम क्या जवाब देंगे, हम एक जिम्मेदार देश है। तो उन्होंने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, तब वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, हमारे में शामिल हो गया पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी आता है। फिर हमारी फौज गई और तब उसने धकेलना चालू किया, श्रीनगर से धकेलते धकेलते मुजफ्फराबाद पहुंच गए, तब तक यूएन में मामला चला गया, नेहरू जी लेकर चले गए, तब सीज फायर हो गया, तब वो सीज फायर लाइन कहलाती थी, आज वो LOC कहलाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। समझे सर, आपने लिया नहीं है, बस अब बच गए, नेहरू जी यूएन नहीं जाते, साल भर 6 महीने और लड़ाई खिंच जाती, कश्मीर का मसला ही सुलट जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्या कहे, तो मसला ही हल है कि जो यार आपके पास आया वो आप उसको संभालो, जो उनके पास आया वो उनको संभालें। मैं आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बताएं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक जो अकर रखने वाला, जो शाऊर रखने वाला इंसान होगा, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा। लेकिन आप बताएं, ये भी बताएं ना कि उन्होंने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी, कितना उसे मतलब ऊपर। यार मैं आपको एक बात बताता हूं, जो किसी भी रियासत के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी पार्ट जुड़ जाता है ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब वो इंडिया करे या ना करे, वो उसकी सर दर्द है, उस पे डिपेंड है। ऐसे ही ना, आप आपकी बात सुने, हमने फिर ये तो कहते हैं कि यार हमने वो भी कश्मीर लेना, हमारे पास जो कश्मीर है हम उनको फैसिलिटीज तो दे नहीं रहे। क्यों लेना है, नहीं हम यहाँ पे यही नारे लगाते हैं। नहीं, वो नारा वो अपने आपको नहीं पता ना, ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक है, वो लगाते नहीं लगाते, हमने क्यों लेना है। एक अंडरस्टूड सी बात है, फ्रीडम वो एरिया था, एक आजाद एरिया था, वो राजा हरि सिंह था उनका, कोई पता नहीं कौन सा था वो, उसने इंडिया पता नहीं क्या साइन किए थे, वट एवर कुछ भी किया हो, जब आप एक लाइन तक आप चले गए, एक लाइन तक उनकी मिलिट्री चलेगी, उनके हिस्से में जो आया उन्होंने झंडा गाड़ दिया, जो आपके हिस्से में आया झंडा, बेसिकल दोनों ही कब्जे के हैं, उन्होंने भी कब्जा किया हुआ, इन्होंने भी कब्जा किया हुआ, हम लोगों ने भी। अब आज़ाद अगर वो सुनना चाहते तो, अगर भाई मेरे आपने साबित कर दिया कि इंडिया ने कब्जा किया है, तो आप जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप मुझे दिखा दो जिससे साबित हो जाए कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया है। आप जाकर यूएन रेजोल्यूशंस पढ़िए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, यूएन के रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान की पूरी फौज हटानी पड़ेगी वहां से, नॉन कश्मीरी एक एक बंदे को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हमलावर थे, अग्रेसर थे। सेकंड शर्त कहती है कि भारत की फौज कम होगी क्योंकि हम डिफेंडर थे। कब्जा करने के लिए अटैक किया जाता है, डिफेंड करने के लिए अटैक नहीं किया जाता है, समझें। इतनी बुद्धि होनी चाहिए आपको, बड़े देश कई देश घूमे हैं आप, जाकर पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी आपको, समझे सर। राजा हरि सिंह कौन था, वाह वाह, तो वो ये चीज है, उन्होंने भी कब्जा किया, इन्होंने भी कब्जा किया, और अगर उन्होंने किया तो वो गलत हो गए, हमने किया तो हम ठीक हो गए। यार ये लॉजिकली बात, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कि साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, ताडा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब कि ये मिसाल आ जाती है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कौन कौन से मुल्कों में गए और आपने वहाँ पे मतलब पाकिस्तान की और अगर इंडियन की बात की जाए तो रिस्पेक्ट के हिसाब से क्या देखते हैं आप? यार रिस्पेक्ट के हिसाब से तो सेम है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मोस्टली जो लोग नहीं भी जानते वो भी यही समझते हैं कि इंडियंस पीपल्स हैं। अच्छा, तो यार कैसे वो समझते हैं कि इंडियंस पीपल्स हैं? तो हमारा यार बात सुनो, ये पता है, एक फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया और पाकिस्तान एक कंट्री है, दो नाम है, मेरी बात को समझ, कोई इंडिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। हम एक नस्ल हैं, एक रंग है, एक खून है। अच्छा। एक हमारा सब कुछ है, हम एक ही हैं। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते? जब एक ही थे तो दो क्यों हो गए, अलग क्यों चले गए? जब एक ही रहना है, एक ही बताना है, पहचान बतानी है, अलग क्यों हुए? सवाल है ना, मुझे बताया थोड़ा। यार मेरी बात सुने, पार्ट हुआ है ना हमारी। अच्छा। कंट्री तो अलग, हम उनसे अलग हुए, अलग। अब बांग्लादेश को कोई पूछेगा वो तो पाकिस्तानी है,
बांग्लादेशी वो होके गए हैं कहाँ से, इंडिया पाकिस्तान फिर बांग्लादेश, मतलब कि वो पार्ट हमारे ही हैं, ये हम सारे भाई हैं, हम भाई हैं। कुछ लुचे लफंगे बीच में घुसे हुए हैं कि जो कह रहे हैं कि देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी आपके रेल ब्रदर के साथ आपकी थोड़ी मुँहमारी हुई हो या आप हाथापाई हुई हो, तो कुछ लोग ना मोहल्ले के या गली के स्ट्रीट के ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा होता है, वो आके और दो भाइयों को लड़ा देंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये लड़ेंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेसिकल। तो अगर आपने कहा हमारे भाई हैं तो फिर हम उनसे हेल्प क्यों नहीं ले पा रहे कि हमारा मुल्क जैसे गिरता जा रहा है इकोनॉमिकल तौर पे या वैसे, तो हम उनसे क्यों नहीं ले, उनके साथ तल्लुकात अच्छे करके ट्रेड करें या सिस्टम, वो नहीं हो सकता ना, कैसे नहीं, एक नफरत का बीज जो बोया हुआ है ना वो कभी भी नहीं कट सकता। और भाई ये मिल गया ना, ये पाकिस्तान और इंडिया जिस दिन इसकी इकॉनमी सेम होगी, ट्रेड होगी, भाईचारा बढ़ गया, तो ये जो बाहर के अनासर हैं, जो बाहर की गंदी कुवतें हैं, उनको पता है कि ये यार एक हो गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पाकवा हिंद के रहने वाले लोग हैं। अच्छा। उसके बाद जब हमारा, आप मैं बताता हूँ कि भी आप बाहर जाते हैं, कोई हर बंदा जाता है देसी, आप वहाँ पे लिखें वो ओरिजिन्स बिलोंग टू इंडिया, हम इंडिया से निकले हुए हैं। आपने कभी लिखा आप? हाँ जी, मैंने किस जगह पे? मैंने एक दो वेस्टर्न कंट्रीज में गया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, बारह लिख देते हैं, वो होता है फॉर्म है, उसमें ओरिजिन्स पूछते हैं, वो आप इंडिया लिखना पड़ता है आपको, मतलब कि हम लोग ये कहें। अब देखें मैं अंडरस्टूड सी बात करता हूँ, आप भाई हैं और तमाम देखने वाले मेरे भाई हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो दिल की बातें बोल रहा हूँ जो हकीकत है। अब आपको मज़े की बात बताऊँ, इंडियन मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो शोर मचाए, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप सब भाइयों से बहनों से जो भी मेरे इंडियन भी बड़े देख सकते हैं। अच्छा, वाई 24 या 28 सूबे हैं आपके, 33 सब तो हो गए, 33 सूबे हैं, आप उनकी कवरेज छोड़ के आप पाकिस्तान की कवरेज में क्यों लगे रहते हैं, मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। और मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे इसका जवाब देता हूँ मैं, क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि आप कर्म ही ऐसा करते हैं। आपके देश का मंत्री अगर आके कहेगा कि बिरला मंदिर की घंटियों की आवाज हम बंद कर देंगे तो हम कवरेज ना करें। आपका फॉर्मर पीएम इमरान खान अपनी रैलियों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की क्लिप चलाएगा, हम कवरेज ना करें। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा ये देखें। इंडिया इज बीइंग आस्क्ड आर यू फंडिंग दिस वॉर, टेल मी बाइंग रशियन गैस इज नॉट फंडिंग द वॉर, आई मीन व्हाई इज इट्स ओनली इंडियन मनी एंड oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. ये foreign minister को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की ज़रूरत है। हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। आपके टीवी चैनल पर बैठ के भारत के हिंदुओं को न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की धमकी दी जाएगी, हिंदुओं को तबाह करने की बातें करी जाएंगी, हम कवरेज ना करें। दूसरा, हमें ये बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर, दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन रिसर्च के मुताबिक 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो एक ही जिसका वो खत्म हो जाएगा। इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, दैट विल बी एंड। सो वी शुड मेक इट वेरी क्लियर। आपके यहाँ के सारे यूट्यूबर्स भारत 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 24 घंटे भारत भारत करते हैं, हम कवरेज ना करेंगे। क्या बात करते हो सर, क्या बात करते हो। मैं तो चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर जो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के, वो इंडियन कंटेंट पर इंडिया का नाम लेना छोड़ दे, पाकिस्तानी कंटेंट पे काम करें। और जितनी आपकी मीडिया है उस पर कहीं भी भारत की बात ना हो, पाकिस्तान की खबरें दिखाई जाएं, सिर्फ भारत की खबरें ही ना दिखाई जाएं, कश्मीर की खबरें ही ना दिखाई जाएं। उस दिन देखना हमारी मीडिया भी आपका नाम तक नहीं लेगी।
आप अटैक करोगे और हम चुपचाप बैठे रहे, नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? हमारे चार सूबे की अगर बात की जाए, गिलगित की बात की जाए, केपीके की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, हम इनको छोड़ के कश्मीर या फलस्तीन की बात क्यों कर रहे होते हैं इनको? अच्छा मैं बताता हूँ ना, हम कहाँ पे किसी मुद्दे पे करेंगे या कभी भी करेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर टाइम जो रट्टा लगाया होता है इन्होंने लगाया होता है। अच्छा। मैं इंडियन लोगों से मिला हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा। और अगर इंडियन मीडिया की मैं बात करूँ तो वो उतनी ही बुरी है। अच्छा। वो दो भाइयों को पीस में लाने के लिए, दो लोगों को आपस में लाने के लिए, दो कम्युनिटी को पास करने के लिए ये दूर कर देते हैं। लेकिन साहिर भाई यही वो लोग कहते हैं कि आपकी मीडिया जो ये नहीं, नहीं हमारी मीडिया आप उठा के देख लें। अच्छा। अगर इनके 4000 इंटरव्यू हमारे खिलाफ निकलेंगे, ये जो जो इनके न्यूज़ चैनल्स हैं इंडियन, हाँ इंडियन न्यूज़ चैनल्स, सारी सोशल मीडिया को तो नहीं कहूँगा, सारे बहुत अच्छे हैं जो स्पेशली इनके टीवी पे दिखाए जाते हैं न्यूज़ चैनल्स, आप 4000 वो लोग करेंगे, हमारे इधर 4 बंदों ने भी नहीं की होगी, उसको हाईलाइट कर देंगे। चैलेंज है, चैलेंज है, आप अपना डेटा लेकर आओ भारत के खिलाफ और मुझे बताओ, मैं अपना डेटा लेकर आता हूं आपके मीडिया का, चैलेंज है जी। अजी पूरी लॉग शीट तैयार रखते हैं हम, कौन से चैनल पे आपके यहां क्या चला है, कब चला है, सब है हमारे पास, अभी लेके उतर जाएंगे हम छापने, फिर मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी सर। आप जाकर सर्च करो डॉक्टर अकबर फिजा खान रोज क्या करती हैं, वो आकर उनका प्रोग्राम चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। किरण नाज जाकर सर्च करो क्या चलता है, नूरल अरफीन जाकर सर्च करो क्या चलता है। सर जी आपकी नजर हमारी मीडिया पर है तो हमारी नजर भी आपकी मीडिया पर है। चलिए बहुत बातें हो गई, अब ज्ञान नहीं सुनना, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? पहले अपनी मीडिया जाकर देखो आप, वो डॉक्टर शाहिद मशहूद GNN पे आता है, जाकर चेक करो, उसका रोज प्रोग्राम आता है और रोज अगर उसमें भारत का नाम ना आता हो तो बता देना। बात करो, ज्ञान देने में तो अपने आप, हम तो जी बड़े अच्छे हैं जी, अफगानी ही बड़े बुरे हैं जी, हम तो बड़े अच्छे हैं जी, भारतीय मीडिया बड़ी बुरी है जी, हमारी मीडिया इतनी बुरी नहीं है जी, हम तो भाई भाई जैसे हैं। अबे भाई भाई जैसे तो अलग क्यों हुए, क्यों अलग? बंटवारा आपने किया, अलग होने की जिद आपने पकड़ी, भारत ने नहीं कहा कि बंटवारा करेंगे, और आज अच्छा बन रहे हो क्योंकि आज जरूरत है भारत की। अब वो दिन लद गए साहब, तो दिन लद गए। मेरा बस चले ना, 40 फीट मोटी दीवार बना दूंगा मैं यहां से लेके पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, LOC पर नहीं बनाऊंगा, LOC तो अभी अलग चेंज करना है वो, समझे सर? और 40 मीटर ऊपर करूंगा दीवार, और ये आना जाना सब बंद करना है, मेडिकल टूरिज्म पर भी नहीं आने देना, देखते रहिए। आप लोगों की चीखें निकलवानी हैं, जो 76 साल आप लोगों ने जो दर्द दिया है ना, मैं जख्म दिए हैं, उन जख्मों का हिसाब लेना है। अभी तो महंगाई से चीखें निकलवा रहे हैं ना, दवाइयों से चीखें निकलवा रहे हैं ना, अभी और भी बहुत कुछ है जिनसे चीखें निकलेंगे अभी अगले 5 साल और देखिएगा। ये सब जो चल रहा है ना, ये कि जी बड़े अच्छे हैं, दोस्ती करनी चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, इसके दिन लद गए साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सारी बातें पता चल चुकी हैं। अब तक हम पाकिस्तान को माफ कर देते थे, छोड़ देते थे, अब वो टाइम निकल गया, अब टाइम है आपको शिकंजे में कसने की, और वहां के आवाम भी बाप बाप करेगी। अभी तो कम हुआ है, 5 साल और देखिए अभी क्या होता है। आप कहेंगे आप इंसानियत नहीं समझते, मैं खूब इंसानियत समझता हूं जी, कसाब आया था उसने भी इंसानियत समझी थी, पुलवामा हुआ था उसने भी, उसमें भी इंसानियत हमने देखी थी, पठानकोट, उरी, 1000 दे सकता हूं मैं, 4 जंगे आपने हमारे ऊपर थोपी तब इंसानियत नजर नहीं आती है, हर बार हमें इंसानियत नजर आए, पाकिस्तानियों को नजर नहीं आएगा इंसानियत। अब तो पे बैक का टाइम है सर, पे बैक, रिजल्ट मिलेगा सर। अब ये मीठी मीठी बातें, ये सब फालतू की बातें, फालतू की बातें अब ना होना। अभी तो आपके मुल्क ने ट्रेलर देखा है, फिल्म बाकी है अभी मेरे दोस्त,
तो दोस्तों टॉपिक कुछ और था, पता नहीं क्या हुआ। कमेंट करके आप जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा मेरा काउंटर। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।